वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फ्रॉम योर फ्लेमिंगो बुक द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. सो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एक हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हैं एंड ऑल्सो ही वॉज अ रिपोर्टर. एंड जो ये चैप्टर है द इंटरव्यू, ये एक एक्सक्रिप्ट है फ्रॉम पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, जहाँ पे उम्बर्टो इको के बारे में बताया गया है जिन्होंने उनको इंटरव्यू किया था. वो जो छोटी सी इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन है वो इस चैप्टर में मैंशनड है. सो फर्स्टली ये कोई स्टोरी नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ रियल लाइफ अकाउंट जहाँ पे एक इंटरव्यू और एक इंटरव्यूई के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसके बारे में बताया गया है. सेकेंडली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द इंटरव्यू. सो इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जर्नलिज्म के अंदर जो हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, राइट? सो अगर हम देखें इंटरव्यू को, हम बहुत सारी मैगजीन्स में इंटरव्यू के बारे में पढ़ते हैं, राइट? टीवी पे कोई इंटरव्यू आता है सो हम देखते हैं. हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये सेलिब्रिटीज़ के होते हैं, राइट? चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर्स हों या चाहे वो किसी फुटबॉल या फिर क्रिकेट इन सब टीम के प्लेयर्स हों उनके इंटरव्यूज़ हों या फिर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, राइट? सो इंटरव्यू के बारे में सब लोगों के मन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं. जैसे कि कई लोगों के लिए इंटरव्यू एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कई लोगों के लिए इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है. इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें लगता है कि इंटरव्यू हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, राइट? सो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि फर्स्टली लोगों के क्या डिफरेंट व्यूज़ है रिगार्डिंग इंटरव्यू. एंड जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे अ शॉर्ट इंटरव्यू दैट टुक प्लेस बिटवीन मुकुंद फ्रॉम द हिंदू एंड उम्बर्टो इको हुज अ फेमस नॉवलिस्ट, राइट? सो बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट. सो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इसी तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया है कि इंटरव्यू के लिए लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके लिए मेंशन करने वाली हूँ कौन कौन लोग हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि इसमें वीएस नायपॉल के बारे में बताया, ल्यूइस कैरल के बारे में बताया, रूडयार्ड किपलिंग के बारे में बताया. सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ रखे हैं जो अगेंस्ट हैं इंटरव्यू के, राइट? सो पहले ये देख लेते हैं. सो इंटरव्यू को लेके अगर हम डिफरेंट व्यूज़ की बात करें, सो काफ़ी सारे फेमस लोग जैसे कि वीएस नायपॉल, ल्यूइस कैरल हु हैज़ एक्चुअली रिटन एलिस इन द वंडरलैंड, रूडयार्ड किपलिंग, सॉल बेलो, इन सब के व्यूज़ काफ़ी अगेंस्ट हैं इंटरव्यू के. जैसे वीएस नायपॉल कहते हैं कि पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज़, राइट? एंड ल्यूइस कैरल कहती हैं कि उनको डर लगता था टू बी इंटरव्यूड क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनको एक पब्लिक फिगर बना देंगे, एक सेलिब्रिटी बना देंगे, एक सॉर्ट ऑफ आइडल बना देंगे, राइट? एंड शी डिड नॉट वॉन्ट द लाइमलाइट. रूडयार्ड किपलिंग ने खुद इंटरव्यू नहीं देने की सोचा था एंड जब उनको ज़बरदस्ती इंटरव्यू करा गया सो उनकी वाइफ ने ये बात बोली थी, शी वॉज द वन हु केम एंड स्पोक दैट ये एक क्राइम है, ये एक असॉल्ट है अगेंस्ट समवन विदाउट देयर विश, राइट? एंड सॉल बेलो ने बोला था इट्स थंबप्रिंट्स ऑन देयर विंड पाइप. सो अब इस सब चीज़ों को अगर हम मिला के देखते हैं इन व्यूज़ को, सो हमें ये समझ आता है कि जो इंटरव्यू है ज़रूरी नहीं है हम इस चीज़ को इसी तरह से परसीव करें कि सामने वाला बहुत विलिंगली इंटरव्यू दे रहा है, राइट? ऐसा नहीं होता यूजुअली. या फिर कई टाइम हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर फोर्स टू गिव द इंटरव्यू, राइट? एंड विच इज़ वाई हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं जब कोई पब्लिक फिगर बन जाता है तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हो जाती है, विच दे डोंट वॉन्ट. इन सब की अगर हम बात करें तो हमें यही समझ आ रहा है कि लोगों के स्पेसिफिकली ये लोग जो राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, राइट, इनके जो व्यूज़ थे इंटरव्यू को लेके वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे बिकॉज दे फेल्ट कि कहीं ना कहीं कोई अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, राइट, एंड मैं उसको जो भी आंसर देता हूँ ना दैट इज़ रिकॉर्डेड, चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हो, चाहे आप कह सकते हैं वो प्रिंट मीडिया पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, राइट? एंड पीपल, चाहे उन्होंने वो इतनी सारी चीज़ें बोली होंगी, लोग उनमें से अगर कोई एक बात भी अगर उनको गलत लगी सो थ्रू आउट द माइंड वो उस इंसान की वही इमेज परसीव करने लग जाते हैं, उसी तरीके से रिलेट करने लग जाते हैं कि अच्छा इसने तो वो लाइन बोली थी, राइट? सो इस तरह से लोगों के जो व्यूज़ हैं अगेंस्ट इंटरव्यू इसीलिए हुए. स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अबाउट द सेलिब्रिटीज़ बिकॉज दे फेल्ट कहीं ना कहीं ए उनकी वजह से उन लोगों को एक डिफरेंट लाइट में देखा गया, राइट, विच दे डिड नॉट वॉन्टेड. सेकेंडली उन्हें ऐसा लगा कि हमारी प्राइवेसी से बिल्कुल खिलाफ है उसके बिकॉज दे वर इंट्रूडिंग.
थर्डली हमने देखा कि उनको ऐसा लगता था देवर थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप, यानी कि देवर फोर्स टू गिव ओपिनियन. तो आपने देखा होगा कभी कभी आप इंटरव्यूज अगर देखते हो कभी किसी सेलिब्रिटीज के एक्टर्स के जब इंटरव्यूज होते हैं राइट, सो उनसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं विच दे डोंट वॉन्ट टू आंसर बट दे आर स्टिल फोर्स टू आंसर इन सम ऑर द अदर वे, विच इज वॉट थंबप्रिंट्स ऑन विंड पाइप मीन. मतलब कि जबरदस्ती आपके मुंह से वो बात बुलवाना चाहते हैं. सो ये तो है इसका अगेंस्ट पार्ट. लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑफ क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ये बात कहते हैं कि चाहे इसके खिलाफ कितने भी व्यूज हो, चाहे लोग इसको किसी भी तरह से परसीव करें, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, एंड वो वन थिंग क्या है कि ये एक मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है. सो यूजुअली हम इंटरव्यूज क्यों देखते हैं? ऑब्वियसली फॉर एंटरटेनमेंट ऑल्सो, बट अदर पर्पज का क्या होता है? अदर पर्पज उसका ये होता है बिकॉज वी वॉन्टेड टू नो जो क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते, मे बी वी आर नॉट इन दैट स्पेस टू आस्क, या मे बी हम थोड़े अनअप्रोचेबल लगते हैं हमें वो लोग. जो क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते सेलिब्रिटीज से वो एक्चुअली उनसे पूछे जाते हैं. सो एक मीडियम ऑफ ट्रूथ कहा गया है जहाँ से लोगों के पास बहुत ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन पहुँचती है. दिस इज वॉट क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर सेज कि डिस्पाइट वट एवर यू पीपल माइट हैव ऑन इंटरव्यू, लेकिन फिर भी ये एक मीडियम या फिर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑफ ट्रूथ है राइट. सो ये तो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे ये इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं. अब सेकेंड पार्ट हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन क्या थी जो उम्बेर्टो इको के साथ हुई. लेट्स सी. सो अब इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज द इंटरव्यू, वहाँ पे उम्बेर्टो इको कौन है? उम्बेर्टो इको एक नॉवलिस्ट भी हैं राइट, वो लिटरेरी इंटरप्रेटर भी हैं, एंड वो फेमस है या रिप्यूटेड है अपॉन हिज स्टडी ऑन सेमियोटिक्स या फिर स्टडी ऑफ साइंस राइट. सो इन सब चीज़ों के लिए ही इज़ फेमस, एंड उनकी एक नॉवल आई थी नेम ऑफ द रोज जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए. इन फैक्ट दैट नॉवल वॉज वेरी फेमस. सो मुकुंद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उम्बेर्टो इको से बात करना, एंड ही सेज कि बहुत सारे लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में लिखते हो, बहुत सारे यॉन्स के बारे में लिखते हो. यॉन्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लिटरेरी प्रैक्टिसेस, जैसे कि गॉथिक हो गया, जैसे कि जो हॉरर में आ गया राइट, कॉमेडी हो गई, साइंस फिक्शन हो गई, जिसे आपने देखा है कि आपकी स्टोरीज जो हैं बुक के अंदर वो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स में हैं राइट. सो इसी तरह से वो जब उनसे एक क्वेश्चन पूछता है, सो उम्बेर्टो इको सेज दैट कि मैं काफ़ी ज़्यादा शौक होता हूँ, लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में लिखता हूँ, बट एक्चुअली सच बात तो ये है कि मैं एक ही चीज़ के बारे में लिखता हूँ, एंड लोगों को फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी सारी चीज़ों के बारे में लिख रहा हूँ. आप अगर मेरी बच्चों वाली स्टोरीज जो मैं लिखता हूँ बच्चों के लिए राइट, उन सब चीज़ों को पढ़ोगे, या आप कुछ और नॉवल्स को मेरी जब पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा जो राइटिंग स्टाइल है वो एक जैसा ही है, ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट है. ही सेज कि आप देखोगे कि मेरी जो फिलोसफिकल इंटरेस्ट्स हैं वो मेरी हर राइटिंग में, हर पीस में नज़र आते हैं, चाहे वो बच्चों की स्टोरीज हो, चाहे वो कोई नॉवल हो, काफ़ी पीसफुल, काफ़ी सरियल नॉवल्स होती हैं मेरी. सो ये बोलते हैं वो. सो देन मुकुंद आस्क कि आप ये सब कैसे कर लेते हो? सो ही सेज दैट कि यूजुअली आपको पता है कि यूनिवर्स में बहुत सारी स्पेसेस हैं राइट. सो वो कहता है कि ये जो स्पेसेस हैं अगर हम इनको फिल करना शुरू कर देंगे सो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. अब वो समझ नहीं पाता है इस बात को, सो उम्बेर्टो इसको थोड़ा एक्सपैंड करके बताते हैं कि फॉर इंस्टेंस कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आने वाले थे राइट, आप इतने एलिवेटर से ऊपर आ ही रहे थे, उतना टाइम जो मेरे पास था जितने में मुझे पता चला कि आप ऑलमोस्ट बिल्डिंग में पहुंच गए हो एंड आप एलिवेटर से ऊपर आ रहे हो, उस स्पेस के अंदर मैंने एक आर्टिकल लिख दिया. सो मैं ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको फिल करने की कोशिश करता हूँ, एंड आई ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. सो उम्बेर्टो को कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना उनके पास टाइम होता है, जो फ्री टाइम होता है उनके पास, ये सारा टाइम वो बेसिकली यूटिलाइज करते हैं, एंड इसे वो कहते हैं दैट ही इज फिलिंग द एम्प्टी स्पेसेस. इन स्पेसेस को वो कैसे फिल करते हैं? कोई ना कोई लिटरेरी आर्टिकल लिख के, या फिर कोई नॉवल लिख के, या फिर कोई चीज़ को रीड कर कर, इस तरीके से उम्बेर्टो उनको बताते हैं.